हाय गाइज, वेलकम बैक टू मिशकास फैमिली चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो गाइज, मैं ब्लॉगिंग तो समझ लो मैं कर ही नहीं रही हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि नहीं, एक ब्लॉग बनाते हैं, आप लोगों को कुछ बताना था। तो हाँ, मेरे हस्बैंड की उससे तबीयत ख़राब हुई, उनको हो गया था मतलब जो कैसे बताऊँ, उनको फोड़ा हुआ था पीछे साइड में, तो ना वो बैठ पा रहे थे ना कुछ। उनको पहले लगा कि शायद बाल तोड़ है, बट वो बाल तोड़ नहीं था, वो पाइल्स से थोड़ा बड़ा होता है, उसको बोलते हैं बगंधर। थोड़ा सा इंग्लिश में मैं यहाँ बता दूंगी कि उसको क्या बोलते हैं, उसका पूरा लगा दूंगी यहाँ पे, वो कहाँ होता है एंड ऑल। तो वो हो क्या रहता है उसकी वजह से, ना तो वो बैठ पा रहे थे ना कुछ। तो यहाँ के अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास हम लोगों ने उनको दिखवाया सर, और पापा लेके गए थे। उन्होंने पहले बोला कि सूखने की दवाई देते हैं, बट वो सूखने की कंडीशन में नहीं था, वो डे बाई डे बढ़ रहा था बढ़ रहा था, और बढ़ते बढ़ते उसका साइज़ यहाँ तक इतना पहुँच गया था। और वो एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे कोई नहीं देख सकता, मतलब एक होता ना कि वाइफ ठीक है चल जाता है ना, तो हम किसी को दिखा सकते हैं ना किसी को बता सकते हैं। तो वो थोड़ा सा पेनफुल तो था ही था, लेकिन साथ में ये भी था कि ना किसी से रो सकते हैं ना किसी से गा सकते हैं। तो फिर वो सानू दीदी से बात हुई, सानू दीदी को बताया, फिर सानू दीदी को वो चीज़ पहले हो चुकी थी, क्योंकि ये चीज़ हमारे पापा को भी पहले हो चुकी थी, फिर उसके बाद सानू दीदी को हुई। तो वो उस पेन से भी वाकिफ थी कि हाँ इसमें कितना पेन होता है, तो उन्होंने डॉक्टर से पूछ के दवाई दिलवाई, उसकी वजह से वो थोड़ा सा पका, फिर पका के बाद फूटा, वो सारी चीज़ें हुई, सब कुछ मैंने हैंडल किया। थोड़ा पेनफुल होता है कि अपने किसी को ऐसे दर्द में देखना, थोड़ा नहीं था मेरे लिए, बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन वाली चीज़ थी। क्योंकि सबसे पहले तो जब से मेरे पापा गए हैं ना, मेरे पापा मेरे मेरे फादर, तब से मैं ऐसी हो गई हूँ कि मैं ज़रा सी टेंशन लेती हूँ तो मेरी हेल्थ इश्यूज़ हो जाते हैं, तो मैं टेंशन तो ले ही नहीं पाती हूँ। और उसके बाद मुझे इतनी टेंशन थी जिसकी कोई हद नहीं थी। मेरी बेटी के एग्ज़ाम चल रहे थे, हस्बैंड को वो प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से ना तो वो बैठ पा रहे थे, ना तो वो ढंग से खड़े हो पा रहे थे, ना घूम पा रहे थे, सिर्फ बिस्तर पे थे, और अभी भी बिस्तर पे ही हैं, क्योंकि उनको समथिंग समथिंग 1 month तो लगेगा ठीक होने में। और उसके बाद होता क्या था कि मेरे को सिर्फ रोना आता था कि यार क्या करूं, अकेले कैसे हैंडल करूं, इनको देखूं, घर के काम करूं, बच्ची को स्कूल जाना होता है उसकी, उसको देखूं, छोटा बच्चा है उसको देखूं, सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा ख़राब हो रखी थी। ऊपर से मेरी वो जेठानी ख़त्म हो गई थी, तो खैर उनके यहाँ तो हम लोग बस तीसरे तक ही गए, उसके बाद तो जाना नहीं हुआ, क्योंकि घर ही देख रहे थे और लोग समझते भी हैं कि अगर प्रॉब्लम है तो चलो समझे। तो एक अलग ही चीज़ थी, लेकिन मेरे लिए थोड़ा सा ट्रूमा वाली चीज़ थी। ना तो मैंने व्लॉगिंग वीडियो किया, क्योंकि मैं अगर करती तो मैं सिर्फ रोती, क्योंकि मुझे सिर्फ रोना आ रहा था। इस टाइम पे हम काम कूल इसलिए हैं क्योंकि आज वैसे 30 तारीख है, कल राखी बांधी जाएगी हमारे यहाँ पे। और लेकिन आप लोग कमेंट करके बताना कि आपके यहाँ पे राखी कब बांधी जा रही है। तो इस वजह से मैं काम कूल लूँ, क्योंकि सब कुछ ठीक है, अभी फूट गया है, ड्रेसिंग चल रही है जो कि डॉक्टर के पास एक बार जाके कराते हैं, और उसके बाद जैसे फ्रेश फ्रेश होना पड़ता है, तो फिर वो तो मुझे ही करना पड़ता है, तो वो मैं कर ही रही हूँ। तो वैसा टेंशन भी नहीं है कि उतना पेन नहीं है, हाँ थोड़ा थोड़ा लौंकता है, दर्द होता है, तो उस टाइम पे दवाइयाँ खा लो, क्योंकि दवाइयाँ तो चल ही रही हैं। और अभी तो एक बत्ती बोलते हैं जिसको, बाती बोलते हैं, वो डाली जाती है ताकि जितना भी थोड़ा बहुत कचड़ा वचड़ा रह गया वो साफ़ हो जाए। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो अभी तो थोड़ा सा ठीक सा लग रहा है। और अभी मेरे जेठ जी आ गए हैं, धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं, मम्मी भी आ रही हैं, क्योंकि मम्मी को भी छुट्टी नहीं थी। आप लोगों को पता ही है सरकारी छुट्टी केवल आज की है, कल की भी नहीं है, तो एक दो दिन की तो छुट्टी लगा भी देंगी मम्मी, लेकिन उनके पास क्योंकि छुट्टियां कम हैं, छुट्टियां हैं ही नहीं समझ लो, ट्रांसफ़र का अलग उनका चल रहा है। कल सानू दीदी आ जाएंगी, सुबह में आ जाएंगी, आज रात में बैठ जाएंगी, तो धीरे धीरे सब लोग आ रहे हैं। एक रीज़न तो राखी है ही, दूसरा रीज़न ये भी है कि अभी बाबू की इतनी बुरी कंडीशन थी, तो इस वजह से आना तो सबको देखने आना ही था। बाबू तो हमको लेके आ नहीं सकते थे, और हम अकेले भी नहीं आ सकते।
सास मेरी ननद दोनों आ गई हैं और हम गए थे आज दिन में दोपहर में मार्केट, जो कि छोटी सी क्लिप आपने देखी है, मार्केट जा रहे थे जब। और अभी हम हैं किचन में, बना रहे हैं रोटियां क्योंकि हमें लगवानी है मेहंदी। ना तो मुझे ना तो मेरी ननद को किसी को भी मेहंदी नहीं लगी है। और अभी मैंने मतलब बुलाया है, यहाँ पे पास पे लड़कियाँ लगा लेती हैं, सो अभी मम्मी को लग रही है मेहंदी, मैं और दीदी रह गए। तो मैंने सोचा है कि मैं बना ले रही हूँ रोटी, दीदी बना लेंगी सब्जी, तो मैं रोटी बना के फटाफट से मैं मेहंदी लगवा लूँगी, फिर दीदी सब्जी बना लेंगी तो दीदी मेहंदी लगवा लेंगी। और इसमें क्या होगा कि मतलब मैं दोनों चीज़ें संभाल भी पाऊँगी, क्योंकि अभी क्या है ना कि अगर कोई एक जन मेहंदी लगा के बैठ जाएगा तो पूरा काम एक जन पे आ जाएगा, तो धीरे धीरे करके ऐसे कर लेंगे, क्योंकि ज़्यादा रात तक बच्चे भी नहीं रह सकते। मिशिका और मंस के कपड़े ले आए हैं हम, मिशिका मंस के लिए कुछ खिलौने भी ले आए हैं, सो वो सारी चीज़ें हम आपके साथ शेयर करेंगे इसी ब्लॉग में कि हम उनके लिए क्या लेके आए हैं। और आप ब्लॉग में बने रहिएगा, मैं मिलती हूँ थोड़ी देर से। मेरी रोटियाँ जल जाएंगी, मैं यहाँ पे ट्राईपॉड भी नहीं रखी हूँ तो मैं आपको रख के भी नहीं दिखा। हम लगवा रहे हैं मेहंदी, मम्मी की मेहंदी लग गई है, हम दिखा देंगे आपको कि मम्मी की कैसी लगी मेहंदी। और जैसे कि हमने बोला था कि बगल में ही ये लोग रहते हैं, तो वहीं से हमने इनको बुलाया है मेहंदी लगाने के लिए। खाना हमने बना लिया है, रोटी बना ली थी, फिर दीदी को समझ में नहीं आ रहा था कि मसाला कैसा क्या रखना है, क्योंकि सब्जी में मसाला इनको थोड़ा कम देना है, वो भी हरी मिर्ची की सब्जी बन रही है अभी इस टाइम पे, तो ऑयल भी बहुत कम डालते हैं, तो इस वजह से हम ही ने सब्जी छोंक दी। फिर उसके बाद चाय बनाने के लिए रख दी, क्योंकि हम लोग जब से बाज़ार से आए ना, चाय हमारी जो काम वाली दीदी है उनसे बोल दिया दीदी चाय बना दो, क्या शक्कर डाली उनने, मतलब ऐसा लग रहा था 10 दिन की शक्कर एक दिन में डाल दी इतनी मीठी चाय हम नहीं पी सकते थे। वो चाय कम ऐसा लग रहा था जो रसगुल्ले की चाशनी होती है ना, चाशनी के जैसा लग रहा था। तो फिर हमने वो चाय तो पी नहीं, तो अभी हमने चाय बनाई, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा चढ़ गया था बाजार में, भीड़ जब गए तब नहीं थी, लेकिन जब आ रहे थे ना इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या बताएं। और हम लोग जल्दी जल्दी वहाँ से निकले। और अभी हम लोग क्या क्या लेके आए हैं, तो जैसे मैंने बोला कि मैं इसी वीडियो में बता दूंगी, दिखा दूंगी आप लोगों को, सो वीडियो पे बनी रही है, थोड़ी देर में हम आपको दिखाएंगे कि हम क्या क्या लेके आए हैं, ठीक है। अभी हम मेहंदी लगवा लें, फिर मेहंदी रच जाए, उसके बाद हम दिखा देंगे आपको, ठीक है। और मंस कल मैंने मेहंदी लगवा ली थी, सो गाइज गुड मॉर्निंग, कल मैंने मेहंदी लगवा ली थी और मेहंदी का कलर कुछ ऐसा आया है, मतलब देखो एक मिनट में फोकस करवाती हूँ, एक्चुअली में क्या होता ना ब्राइटनेस की वजह से दिखता नहीं है, ये देखिए दिख रहा है क्या, ये ज़्यादा कुछ रची नहीं है, मतलब बहुत अच्छी नहीं रची, बट हाँ फिर भी रच गई है, मतलब एक नेम होता है जो करवा लिया, मुझे तो लग रहा था ये भी नहीं हो पाएगा, मुझे थैंक गॉड मेरी जो बड़ी वाली ननद है वो कल आ गई थी। तो हम लोगों ने क्या, मैं चली गई थी मार्केट, तो वहाँ से जाके आईब्रो करवा ली थी, क्योंकि मैंने आईब्रो भी नहीं करवाई थी, ये तो बोल रहे थे चले जाओ, बट वो अकेले ना आदत नहीं है मेरी कहीं जाने की, तो वो इस वजह से हो ही नहीं पाया। यहाँ पे मेहंदी नहीं लगी है क्योंकि लड़की वो थक गई थी, मम्मी को लगाई उसने पहले, फिर मुझे लगाई तो वो बहुत ज़्यादा थक गई थी, और फिर पता है ना अभी सावन का महीना चल रहा, किसी ना किसी को लगाते ही रहते हैं। सो अभी हो गई है सुबह, सानू दीदी आ गई हैं, तो आपको उनसे और सबसे तो मिलवाऊंगी मैं, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग में, रक्षाबंधन ब्लॉग आएगा इसके बाद का। और अभी मैं दिखाती हूँ कि दीदी लोग क्या गिफ्ट लाई हैं, दीदी भैया, भैया ने इधर ही से दिलवाया, क्योंकि पिछले बार भैया नवरात्रि में आए थे कपड़े लेके आए थे, तो वो कपड़े ना छोटे पड़ गए थे मिशिका को, मंस को ठीक आ गए थे बट मिशिका को छोटे पड़ गए थे, तो इस बार भैया का था कि चाहे मैं वहाँ से लूँ यहाँ से लूँ कम से कम बच्चों को कपड़े आने चाहिए, तो इस वजह से उन्होंने यहीं से दिलवाए। चलो मैं वो भी दिखा देती हूँ। और मैंने अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं लिया है अभी, रीज़न सिर्फ इतना सा है कि अभी कपड़े उनके पास ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि देखो एक तो भैया लेके आए हैं, दीदी लेके आई हैं, दूसरी बात अभी क्या आ रही है, कन्हैया आर्ट है जिसको बोलते हैं जन्माष्टमी, तो जन्माष्टमी पे हो सकता है मैं कपड़े लूँ अगर ज़रूरत लगी तो, नहीं तो तीजा भी आ रही है उस पर तो हमको कपड़े उनके लिए लेने ही लेने हैं। बाकी मंस के लिए जन्मदिन के लिए कपड़े लाए वो मैं अलग दिखाऊंगी आपको, ऐसे मिशिका के लिए हम कपड़े लाते रहते हैं जो मैं वीडियो में नहीं दिखाती हूँ, लेकिन क्योंकि ये लोग लाए हैं मुझे बहुत अच्छा लगता है शेयर करने में, क्योंकि मुझे भी याद रहता है कि हाँ मेरे ये लोग तब लेके आए थे कपड़े। तो अभी देखो ये लाए हैं तो मैं दिखाती हूँ, सबसे पहले मैं दिखाऊंगी दीदी मम्मी और दीदी छतरपुर से जो कपड़े लाई हैं मिशिका के लिए, पसंद चॉइस मेरी भी है इसमें, क्योंकि दीदी ने वीडियो कॉल करके दिखाया था कपड़े और मैंने ही चॉइस किए थे। सो क्योंकि अब रक्षाबंधन है तो इंडियन वेयर जरूरी रहता है, तो मैंने क्या किया कि इंडियन वेयर में मंगवाया, तो ये सरारा सेट है इसका, ये सरारा है
और ये इस तरीके का इसका ऊपर का रहेगा, बॉटम आपको दिख ही गया। इसमें ये अंदर से आप इनर पहना सकते हो अगर पहनाना चाहते हो, अगर नहीं पहनाना चाहते हो तो स्किप द, है ना, स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद ये दुपट्टा है ऐसा वाला, ठीक है। अभी बाबू ठीक है, बहुत अच्छे तो नहीं है बट ठीक है, मतलब पहले से ठीक है। बेड रेस्ट तो अभी काफ़ी लॉन्ग टाइम चलेगा, और क्या बोलते वो भी चल रहा है, पट्टी वगैरह भी करते ही रहते हैं, ड्रेसिंग काफ़ी अच्छे से चल रही है। एक टाइम डॉक्टर के पास जाते हैं, दो तीन टाइम मुझे करनी पड़ती है, क्योंकि वो दिक्कत ही ऐसी, प्रॉब्लम ही ऐसी है उनकी। तो अब मिशिका का दिखा दिया मैंने, ये आज पहनाएंगे हम उसको राखी पे। और ये है कुर्ता मंस का, ठीक है। थोड़ा सा हमें साइज में लग रहा है बड़ा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अभी बड़ी हाँ, और फिर वो अभी बड़ा भी होएगा ही ना। और देखो क्या होता है, ये कोई आप डेली में तो पहना नहीं सकते हो, तो इसलिए साल भर में दो तीन बार पहन ले, उनके पैसे वसूल हो जाते हैं। ये इसका पैंट है, ये भी पापा बोल रहे थे पड़ा है, क्योंकि पापा का अंदाजा बच्चों में बहुत अच्छा है, मतलब सही है। तो ये दीदी लाई है छतरपुर से। अब मैं दिखाती हूँ मेरे जो सत्यम भैया हैं, मेरे जो जेठ जी हैं, उन्होंने मिशिका के लिए क्या दिलवाया और मंच के लिए क्या दिलवाया। तो पसंद हमारी ही है, तो ये वाले जो कपड़े हैं ना, ये मंच के हैं, ये इसका जीन्स रहेगा, ठीक है। और ये इसे थ्री पीस में है, अंदर टी शर्ट है और बाहर ये है। बाबू को ये, मतलब ये जो है ना, मतलब ऊपर का ये कोट टाइप का है, और इसकी क्वालिटी अगर मैं जीन्स पैटर्न टाइप का है, लेकिन इस ये ना बहुत सॉफ्ट वाला मटेरियल है, जीन्स नहीं है, दिख रहा है जीन्स जैसा बट जीन्स नहीं है। एंड ये अगर आप छुओ ना तो ऐसा मखमल वाला फील करा रहा है, बट मखमल तो मिशिका के लिए हमने ये लिया है, एक कोट सेट टाइप का है ये। सो इसका ये अंदर आपको कोटी रहेगी इस तरीके से। अगर आप सिंगल टॉप इसके साथ पहनाना चाहते हो तब तो ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपको लगता है कि इसके साथ ये कोट पहनाना है तो ये भी पहना सकते हो। अब मैंने इसको किया है, मैं इसको ना मिशिका के लिए ब्लैक वाली जो वो हील नहीं होती, छोटी सी हील सैंडल टाइप, सैंडल बैली 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 के साथ पहनाऊंगी, तो बहुत ही बढ़िया लुक आने वाला है इसका। तो आप लोगों को ये कैसा लगा ज़रूर बताना, ठीक है। उसके बाद सानू दीदी क्या लेके आई हैं बच्चों के लिए, तो मैं दिखा दूँ। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें लाई हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ों से मतलब है, नाश्ता तो इतना सारा लेके आई हैं, मतलब कुछ बच्चों की चॉइस का, कुछ बड़ों की चॉइस का, ठीक है। उसके बाद मिशिका के लिए लाई हैं वो इस टाइप का बैग, जैसे मिशिका को कहीं जाना आना है, हम लोगों के साथ ही जाती है ना, तो उसके अलग से कुछ नेसेसरीज वाली जो चीज़ें होती हैं वो हम कैरी कर सकते हैं। और स्कूल बैग टाइप का तो ये है ही, अगर आप स्कूल बैग में करना चाहते हो, लेकिन स्कूल बैग भी उसका बहुत ही अच्छा है और अच्छी क्वालिटी का, तो वो तो उसको स्कूल बैग में नहीं लगेगा। तो मैंने सोचा है इसमें उसके क्लोथ्स वगैरह बड़ी आराम से आ जाएंगे। काफ़ी सारे पॉकेट्स हैं इसमें, हिडन पॉकेट्स ज़्यादा हैं, जिसमें वो मतलब जिसमें उसकी हम पर्सनल चीज़ें भी रख सकते हैं। मिशिका के लिए वो लाई, मंस के लिए वो लाई है ये हल्क वाला, इसको क्या बोलते बाबू, बॉक्सिंग वाला, हाँ ये बॉक्सिंग वाला है। तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें भरनी पड़ेगी हमें ईयर, ताकि ये पूरा ऐसा हल्क जैसा तैयार हो जाए। ये देखिए कुछ इस तरीके से, क्योंकि मंस को हल्क बहुत अच्छा लगता है, वो हर चीज़ में हल्क 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 करता रहता, काफ़ी हैवी है ये इसकी वजह से। तो इस वजह से अभी इसमें हवा भरेगी, अभी तो नहीं भरी है। अच्छा भैया ने भी मिशिका और मंस को खिलौने दिलवाए हैं, तो भैया ने मंस के लिए, मंस ने ही बोला था कि उसको ये सुपर, ये क्या चाहिए था, रिमोट कंट्रोल कार चाहिए थी। तो कार बहुत बड़ी बड़ी थी साइज में और बहुत अच्छी अच्छी क्वालिटी की भी थी, बट क्योंकि देखो आपको पता है बच्चे हैं, वो अभी ना इसको कार को ऐसे पकड़ रहा है, ठीक है, मतलब कल से उसने क्या, शाम से उसने इसके साथ ऊधम ऐसे पकड़ के ना ऐसे चला रहा है, मतलब ये रिमोट है, ये हाथ में कार है और ऐसे चला रहा है, उसके चक्के चले जा रहे हैं, मतलब वो अच्छे से यूज ही नहीं करता। तो क्या बच्चों को अभी कदर थोड़ी ना होती कि कौन सा खिलौना कितना महंगा आ रहा है, फिर भी काफी 350 समथिंग की पड़ी थी ये। उसके बाद मिशिका ने ये लिया है, इसको डांसिंग कुछ करते बोल है, और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे, मतलब हेलो हेलो लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। मैं हूँ मिशिका का फ्रेंड, तो पता क्या है तो इसको बंद करना पड़ेगा, नहीं तो ये अपना काम चलाता रहेगा। ओके, सो इसलिए हमने क्या किया, इसका
ये भी ले लिया ताकि बच्चे इसके साथ थोड़ा खेलते रहें। मिशिका ले रही थी डॉल, लेकिन डॉल 2 दिन ही चलाती वो। उसके बाद मिशिका के लिए, क्योंकि उसका वो इंडियन में जाएगा ना, तो मैं सोच रही हूँ उसका बन बनाऊँ, उसके ऊपर ये गुलाब का फूल लगा दूंगी और ये आजू बाजू में लगा दूंगी, थोड़ा अच्छा सा लुक आ जाएगा हेयर के लिए। बाकी मैं बाबू के लिए परफ्यूम लाई थी अपने तरफ से कल, क्योंकि बेचारे भी नहीं जा सकते हैं कहीं पे, तो थोड़ा सा उनके बारे में भी सोचना पड़ेगा ना। हाँ ये देखो, बहुत बीमार हूँ। नहीं जा पा रहा हूँ ना, कहीं नहीं आ पा रहा हूँ। ओके दीदी, सानू दीदी लाई है बाबू के लिए ये अच्छा सा टी शर्ट, जो कि बहुत ही अच्छा है, बट बाबू को यहाँ पे थोड़ा सा टाइट आ रहा है। बट मैंने इनको बोला भी कि ये ऐसा वाला कपड़ा है ना, ये देखो ऐसा हो जाएगा, लेकिन कहते ना कि कंफर्ट बहुत ज़रूरी होता है, अभी इनको कंफर्ट फील नहीं हो रहा है इसके साथ। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगेगा, और आप लोग बताना कि आपको गिफ्ट कौन सा अच्छा लगा, मिशिका के मंस के कपड़े अच्छे लगे कि नहीं लगे, और सब चीज़ें बताना, ठीक है। और हम मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय गाइस, लव यू और टेक केयर, ख्याल रखो अपना, और सुरक्षित रहो, सेफ रहो, दुआ में याद रखना हम लोगों को।